नमस्कार, कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा, जहां हमने देखा आरबीआई, फेड, ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, सभी सेंट्रल बैंक ने इन्फ्लेशन की चिंता भी जताई और साथ में हमने देखा कि रेट हाइक के सिनेरियो पे सभी सेंट्रल बैंक काफी हॉकिश थे। सबसे पहले अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो गोल्ड में हमने देखा कि प्राइजेस 0.5% की गिरावट के साथ करीबन 51,350 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 2.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ 62,500 के लेवल पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। गोल्ड में हमने देखा प्राइजेस 51,300 के करीब ओपन हुआ, 51,500 तक गया, बट जैसे ही फेड ने रेट हाइक की बात की उससे पहले पहले ही हमने देखा कि प्राइजेस 50,500 का लो लगाता हुआ दिखाई दिया। बट एक शानदार रिकवरी इसलिए भी थी कि ग्लोबल मार्केट के अंदर हमने देखा इन्फ्लेशन कंसर्न, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये कहीं ना कहीं सोने और चांदी को सपोर्ट देता रहा, जिसके चलते लोअर लेवल से बाइंग लौटते हुए दिखाई दी। क्योंकि फेड 0.5 से जो रेट हाइक कर रहा है ये मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है। नो डाउट दबाव इसलिए भी बना कि उम्मीद है कि जून महीने में 0.75 से रेट हाइक और हो सकती है, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स 22 साल के हाई पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया। बॉन्ड यील्ड 3% के ऊपर जाते हुए दिखाई दी। बट अब देखना है कि आगे की रणनीति कैसे रहेगी, क्योंकि अभी भी जो डेटा पॉइंट है यूएस से, चाइना से, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहे हैं इकोनॉमी पे। तो रेंज की बात करें अगले हफ्ते की तो हमें लगता है सोना 50,200 के सपोर्ट पे रहेगा, वहीं हायर साइड में 51,900 का रेजिस्टेंट रहेगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति गोल्ड में बनाकर चलनी चाहिए। चांदी क्रिटिकल पॉइंट पे है, बट कहीं ना कहीं वीकली क्लोज 62,000 के ऊपर होने पे हमें लगता है प्राइजेस सपोर्टिव है। डाउनसाइड सपोर्ट 51,400 का रहेगा, बट ध्यान रखिए 64,000 के ऊपर वीकली क्लोज आने पे ही हम एक नई तेजी देखेंगे। पहले भी देखा गया है प्राइजेस में गिरावट जरूर आती है, बट 62,000 के सपोर्ट से मार्केट अपलिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। वहीं एनर्जी पैक की अगर बात करें तो क्रूड में हमने 4% की तेजी, वहीं नेचुरल गैस में 12% की जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी। दोनों ही काउंटर में हमने ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखा, जो संकेत देता है कि फ्रेश बाइंग मार्केट में होती रही। क्रूड के अंदर ओपेक ने अपने प्रोडक्शन को अनचेंज रखा है, स्लो रफ्तार से ही प्रोडक्शन बढ़ेंगे। वहीं हमने जो कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न जो बन रहा था चाइना में लॉकडाउन की वजह से, वो प्राइजेस को थोड़ा बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा था। तो काफी मिक्स व्यू के चलते प्राइजेस काफी वोलेटाइल रहे हैं, जो 8500 से लेकर 7600 के बीच में ट्रेड करते रहे। टेक्निकली अगर देखें तो प्राइजेस 8000 का अब एक नया सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्राइजेस 8100 के करीब मिले लेके चलना चाहिए। 8800 का इमीडिएट टारगेट देखने मिल सकता है, क्योंकि टेक्निकली मार्केट अभी भी सपोर्ट दिखा रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो टेक्निकली ओवरबॉट है, RSI 74 के ऊपर है, बट अभी भी फ्रेश बाइंग बनी हुई है, जिसके चलते ट्रेंड तो पॉजिटिव रहेगा। इंटरनेशनल में उम्मीद जताई जा रही है किसी चंद से रशिया और यूरोप के बीच में जो कंसर्स बन रहा है ये प्राइजेस को $10 तक का भी लेवल दिखा दे, क्योंकि समर डिमांड अब मार्केट में आना चालू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं प्राइजेस का रेंज आप देखिए 550 से लेकर 700 के बीच में था। पॉजिटिवली अगर देखिए तो प्राइजेस 570 के सपोर्ट से कंटिन्यू तेजी ही रहेगा, जो इमीडिएट टारगेट 700 तक का भी लेवल आने वाले दिनों में दिखा सकता है। बट वॉलिटिलिटी दोनों ही काउंटर के अंदर क्रूड में और नेचुरल गैस में ज्यादा बनी हुई रहेगी। अंत में अगर बेस मेटल की बात करें तो चाइना में जिस ढंग से हमने मैन्युफैक्चरिंग के डेटा खराब आते हुए दिखे हैं, GDP पे अभी भी कंसर्न्स बने हुए, क्योंकि IMF ने भी ग्रोथ पे लोअर डाउनग्रेड किया है, जिसके चलते प्राइजेस में हमने जबरदस्त गिरावट देखी है। निकल में 6% की गिरावट, जिंक में 5% की गिरावट, कॉपर में 3% की गिरावट, एल्यूमिनियम में 5% की गिरावट, लेड में 1% की गिरावट। तो हमें लगता है सबसे पहले तो पैसिमिज्म बना हुआ है कोरोना कंसर्न्स की वजह से चाइना में, जो सबसे बड़ा बायर है। दूसरी जगह इन्वेंट्रीज अब बढ़ते हुए जा रही है, बिकॉज डिमांड में ड्रॉप है तो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री भी बढ़ती है। तो दोनों चलते हमने प्राइजेस के अंदर एक बड़ा लॉन्ग लिक्विडेशन या हम बोल सकते हैं फ्रेश सेलिंग बनते हुए देखा है। टेक्निकली भी देखें तो अभी भी प्राइजेस की लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है, जिसका मतलब है प्रेशर और देखा जा सकता है। बट चाइनीज गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं इम्प्रूव करने के लिए, जिसके चलते अगले हफ्ते हमें एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। अगर कोरोना के केसेस कम होते हैं तो और भी सपोर्ट मिल सकता है। तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए, जहाँ पे कॉपर 750 के करीब बाइंग बनती है, जिंक के अंदर 318-19 के करीब, एल्यूमिनियम में 232 के करीब, वहीं लेड सबसे अट्रैक्टिव है क्योंकि 180 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल बेस मेटल में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाकर ट्रेड कीजिए। चाइना के डेटा पे ध्यान रखिए। धन्यवाद।